गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज गौरव सिंह पवार अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो उन लोगों के लिए हैं जो लोग किसी के सिखाने के बावजूद भी बार बार उसी काम में गलतियां करते चले जा रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर मैंने किसी को कोई काम सिखाया है और सामने वाला बार बार उस काम में गलतियों पे गलतियां करता चले जा रहा है, तो इसके सिर्फ दो रीज़न है। या तो सामने वाला जो जिसको मैं सिखा रहा हूँ वो मेरे काम को यानी कि मेरे बातों को समझना नहीं चाहता सही तरीके से। वो जिस समय तक मेरे सामने बैठा है प्रेजेंट में, तब तक तो वो सब चीज़ें ठीक कर रहा है यानी कि समझ रहा है। अगर मैं उससे कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ और वो आंसर दे रहा है तो इट मीन्स ये है कि वो उस समय तक तो समझ रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग मैं हट जाता हूँ यानी कि एक दो घंटे का जो भी हमारे साथ में मीटिंग रही उस व्यक्ति की, उसने उस समय तो वो चीज़ मुझे सही से बता दी, और उसके बाद में अगर उस चीज़ को प्रैक्टिस में लेके नहीं आए यानी कि उसको अपने रूटीन क्रिया में लेके नहीं आए, तो वो बार बार गलती करेंगे। तो ऐसे लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई व्यक्ति कुछ सिखा रहा है और आप उसको बार बार गलत कर रहे हो तो गलती आप कर रहे हो, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप सिखाए हुए काम को प्रैक्टिस में लेके नहीं आ रहे, यानी कि रूटीन जो भी आपकी रूटीन क्रिया है उसमें लेके नहीं आ रहे। जब तक आप उसको रूटीन वर्क में लेके नहीं आओगे तब तक आप उस काम को बेहतर तरीके से नहीं कर सकोगे। देखिए, मैंने तो जो काम है वो आपको सिखा दिया, अब प्रेजेंट में जो है आपने उस चीज़ को समझ लिया मेरे सामने तक, लेकिन उसका प्रैक्टिकल आपको जब तक फील्ड में नहीं करोगे, आप जब तक उस जगह जाके नहीं करोगे जहाँ पे उसको काम को करना है, तब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो पाओगे। देखिए, गलतियाँ ज़रूर होंगी, पहली बार गलती होगी, गलती कुछ ना कुछ आपको सिखाती है। मैं भी कोई परफेक्ट नहीं बनाऊँ, या ये कह सकते हो कि मैं भी कुछ ना कुछ अभी भी सीखता रहता हूँ। मैं अगर किसी काम को अच्छी तरीके से कर रहा हूँ यानी कि अगर मुझे कोई काम दिया गया है उस काम में मैं लगभग 90% से 100% के बीच में अपने उस काम को कर रहा हूँ, और मैं अपने जूनियर को या अपने कलीग को वो काम सिखा रहा हूँ कि आप इस तरीके से काम कीजिए, और वो व्यक्ति बार बार गलतियों पे गलतियाँ करते चले जा रहा है, इट मीन्स ये कि उसका फोकस उस काम में नहीं है। तो मुझे इस जगह दो काम करने चाहिए, या तो मैं उस बंदे को रिप्लेस करके कोई दूसरा बंदा ले लूँ, या उसको एक फाइनल अपनी वार्निंग देने के बाद में भाई उसको, क्योंकि उसके ना करने से मेरे काम पर फ़र्क पड़ रहा है, तो उसको फाइनल वार्निंग देने के बाद में, एक टाइम पीरियड देने के बाद में अगर उसके अंदर तब्दीली आती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मुझे वो बंदा चेंज करना पड़ेगा। तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो बार बार सीखने के बावजूद भी, सिखाने हम लोग सिखा रहे हैं और सीखने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं सीख पा रहे, इट मीन्स ये है कि उसकी अंदर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है वो, या ये कह सकते हैं उसका दिमाग उस चीज़ में नहीं है। या दूसरा कारण हो सकता है कि उसका दिमाग इस तरीके की चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, यानी कि उसके अंदर जो सोचने समझने की शक्ति है वो लिमिटेड है, लिमिटेशन से। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, हर काम हर तरीके के लोग नहीं कर पाते। मैंने अपनी फील्ड स्टैंड में भी देखा है कि कुछ लोग मेरे से उम्र में बड़े भी हैं, जो मेरे से अगर ये जनरल बात चल रही है, मेरे से उम्र में बड़े होने के बावजूद भी वो उस कैटेगरीज में जहाँ से मैं उठ के आ चुका हूँ, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मेरी उम्र से छोटे हैं और मुझसे थोड़ा सा ऊपर जा चुके हैं। इट मीन्स ये कि हम तीनों लोगों में जो दिमाग का काम हो रहा है वो तीनों लोग, हम लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। देखिए, मैं जो काम कर रहा हूँ जिस तरीके से करता हूँ वो हो सकता है दूसरा उसका काम को करने का तरीका दूसरा हो, लेकिन एंड में रिजल्ट्स किस तरीके के आ रहे हैं वो डिपेंड करते हैं आप जो काम कर रहे हो उसमें सक्सेस हुए या नहीं हुए। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो ये बताना है कि अगर कोई व्यक्ति आपके बताए हुए काम को नहीं सीख पा रहा है, बार बार गलतियां कर रहा है, तो उसमें सबसे पहले तो ये दिक्कत आ गई कि वो उस काम को जब तक आप सामने हो तब तक तो कर रहा है, उसके पीछे प्रैक्टिस नहीं कर रहा। जो व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं करता तो मान के चलिए कि मैं उसे 100 बार सिखा लूंगा, वो कभी ज़िंदगी में नहीं सीख पाएगा। दूसरा, किसी व्यक्ति का दिमाग ही इस तरीके का होता है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं घुसती। देखिए, अब ये मैं बात कर लेता हूँ, स्कूल से स्टार्ट कर लेते हैं। स्कूल में बहुत से लोगों को मैथमेटिक्स सिखाई जाती है या कुछ और सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। मैथमेटिक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ, वो आसानी से समझ में जाएगी। मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चे 100 में से 100 लेके आते हैं, बहुत सारे बच्चे 100 में से 50 लेके आते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 100 में से 33% ही लेके आते हैं, और बहुत से बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो मेरा जो बताने का मेन मोटिव है वो
इससे भी रिलेटेड है कि बहुत सारे लोगों का दिमाग इसी तरीके का बना हुआ है कि वो इस तरीके की चीजें नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, नहीं उनको समझ में आ रहे। अब करना क्या पड़ेगा? मेरा जो काम करने का तरीका है मेरे सिंपल है कि जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको उस काम में लगा दो। यानी कि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को ओवरलोडेड काम नहीं देता, या ये समझ मतलब ऐसे समझ लीजिए, अगर एक बॉलर छोड़ दीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को मैं ऐसे काम को कराने के लिए बोलूं जो उसकी औकात से भी बाहर है, उसकी उसकी क्षमता से भी बाहर है, तो मैं उसमें उससे रियल की क्या उम्मीद करूंगा? यानी कि एक बंदे की कैपेसिटी, एक सेल्स में है तो सेल्स की बात कर लेते हैं, एक बंदे की कैपेसिटी, अगर मैं अपने सेल्स की बात कर लेता हूँ, हम एक बंदे से बात कर रहे हैं कि आपको ये एरिया डेवलप करना है, यानी कि वहाँ पे प्राइमरी हमें कुछ ना कुछ करनी है। प्राइमरी का मतलब ये हो गया किसी ना किसी सेल्स में है तो आप किसी प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर आपको बनाना पड़ेगा, या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा, और आप उस लायक हो नहीं, हमने आपको वो काम दे दिया तो क्या होगा, उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आना, नेगेटिव इन द सेंस कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं निकलने वाला। और एक बंदा उसमें परफेक्ट है तो डेफिनेटली वो चीज़ हम लोग अगर उससे कराएंगे तो वो उसमें रिजल्ट बहुत बेटर लेके आएगा। दोनों में फ़र्क सिर्फ पता किस चीज़ का आएगा, दोनों में फ़र्क आएगा सैलरीज की, आपकी सैलरीज की वॉल्यूम्स का। मतलब अगर मैं बात करूँ, जो बंदा प्राइमरी लेवल पे वर्क नहीं कर पा रहा है, हम उससे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये एरिया डेवलप कर लेगा, ये हमारी गलती हो रही है, क्योंकि वो उसी कैटेगरीज का है कि हम उसको किसी और काम पे लगा दें, ओनली सिर्फ सेकेंडरीज या सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के पास में पोस्ट कार्ड के काम पे लगा दें। एक बंदा जिसकी कैपेसिटी है कि ये बड़े लेवल पे काम कर सकता है, प्राइमरी कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है, प्राइमरी सेल्स ला सकता है, तो हमें उसको उस काम पे लगाना चाहिए। थोड़े से पैसे वहाँ बढ़ सकते हैं, यानी कि थोड़े से पैसे वहाँ बढ़ेंगे, सैलरीज उसकी ज़्यादा होगी जो प्राइमरी लेवल पे वर्क करेगा, और सैलरी उसकी कम होगी जो प्राइमरी लेवल पे वर्क नहीं कर सकता। देखिए, मेन काम होता है किसी सेल्स लाइन में किसी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करना, तो जो प्राइमरी लेवल पे सेल्स कर लेता है डेफिनेटली उसकी ग्रोइंग जल्दी होती है और वो मार्केट के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुँचता चले जाता है, उस बंदे के मुकाबले जो सिर्फ सेकेंडरीज पे डिपेंड है और वो सेकेंडरीज के अलावा कुछ कर नहीं सकता। तो हमें अपने आप को बढ़ाने के लिए, यानी कि एक लीडर को आगे बढ़ने के लिए पूरी टीम के अंदर जजमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा व्यक्ति किस काम के लिए है, उसको उस काम के अनुसार आप लगा दीजिए, देखिए परिवर्तन हो जाएगा। आप एक सेकेंडरी लेवल के बंदे को प्राइमरी पे लगाएंगे तो कभी परिवर्तन नहीं होने वाला। एक प्राइमरी को प्राइमरी लेवल पे लगाइए, सेकेंडरी लेवल पे लगाइए और देखिएगा कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर निकल के आता है। तो ये मेरा जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो सीखने के बाद भी बार बार गलतियाँ कर रहे हैं, या काम को सीख नहीं पा रहे हैं, या वो उस लायक ही नहीं बने हुए कि वो उस काम को सीख पाए। तो ये सोचने समझने की शक्ति उस लीडर की होनी चाहिए जो लीडर अपनी टीम में इस टाइप के लोगों को चला रहा है। जो व्यक्ति जिस लेवल का है आप उसको उस काम पे लगाइए, क्योंकि एक कंपनी ने आपको एज ए लीड करने के लिए आपको एक एरिया दिया है, और प्रेजेंटेशन आपकी ख़राब हो रही है क्योंकि आपके नीचे के बंदे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या ये कह सकते हो कि आपने गलत बंदे को गलत काम पे लगा रखा है, या ये कह सकते हैं कि आपने बंदा तो चूज कर सही कर रखा है लेकिन उसको गलत काम पे लगा दिया, तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ ये चीज़ पहचाननी है। और मेरा लास्ट में मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है जो बार बार गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो वीडियो स्टार्ट की है वो उसी चीज़ से करी है कि जो लोग बार बार गलतियाँ कर रहे हैं सीखने के बावजूद भी, वो अपनी जो सिखाई हुई चीज़ को है उसको प्रैक्टिस में लेके आएँ, कभी भी गलती नहीं होगी। प्रैक्टिकल थ्योरिकल से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, जो काम आप प्रैक्टिकल्स कर लेंगे उसकी मजबूती पढ़ने के अलावा बहुत ज़्यादा बेटर निकल के आएगी। तो जो प्रैक्टिकल होता है वो बहुत बढ़िया है। अगर मैंने कोई काम सिखाया है या आपने कोई काम सीखा है तो उसको प्रैक्टिकल करिए, आपको बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, नए नए एक्सपीरियंस सीखने को मिलेंगे। तो लास्ट में सिर्फ मैं उन लोगों को यही बताना चाहता हूँ जो लोग बार बार सीखने के बाद भी गलतियाँ कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या आप जो काम सीखना चाहते हो वो आपके लायक नहीं है।
तो ये जजमेंट आपको अपनी टीम के लीडर के साथ बैठ के डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। सही डायरेक्शन में काम कीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, अपने सलाहकार से पूछिए, अपने लीडर से पूछिए, और बाकी देखिएगा 100% तब्दीली होगी। इस तरीके की वीडियोस मैं उन लोगों के लिए बनाते रहता हूँ जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, और जिसे कुछ नहीं करना है तो वो पड़े रहे, ज़िंदगी चली रही है, कट रही है, खाना तो सबको मिल ही रहा है। और जो लोग बदलना चाहते हैं वो इस तरीके की वीडियो देखें, सुनें, और अपने काम में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, देखिए सुधार जरूर आएगा। बाकी वीडियो बनाते रहेंगे, मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।